नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती पीईटी की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मांग हो रही थी 22,000 सीटों की, यानी कि शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं UP SSC की। जब से मैंने वीडियो बनाया था कि अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जो चेयरमैन हैं डॉक्टर प्रवीर कुमार, उन्होंने ये स्पष्ट कर दिया है कि जो लेखपाल भर्ती का जो विज्ञापन जारी होगा उसमें लगभग 15 गुना विद्यार्थियों को क्वालिफाई कराया जाएगा, 1,20,000। उसके बाद से विद्यार्थियों के लगातार बहुत सारे मेरे पास फ़ोन आए हैं, बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किए हैं, व्हाट्सएप पर भी कॉल करी है, और विद्यार्थियों का ये कहना है कि सर इस तरीके से तो ये जो आने वाली भर्तियां हैं जिनमें बहुत कम पद रहेंगे, जैसे कि स्टेनो की भर्ती आती है या वीडियो की जो भर्ती आती है या अन्य कोई भर्ती आती है, तो उसमें तो बहुत कम विद्यार्थियों को मौका मिलेगा, और यानी कि जो इस तरीके से जो परसेंटाइल वाला जो कट ऑफ है वो तो बहुत ज़्यादा चला जाएगा। कभी किसी किसी भर्ती में तो 90% के ऊपर के छात्रों को बुलाया जा सकता है, किसी में 95% के ऊपर के छात्रों को बुलाया जाएगा, हमारा तो इसमें बहुत नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि एक कट ऑफ वाली बात कि जब ये स्कोर कार्ड जारी होगा तो वो केवल स्कोर कार्ड होगा, रिजल्ट नहीं होगा। जो जिस तरीके से मैंने पहले भी बताया है, इसके लिए कई तरीके के वीडियोस में बना चुका हूँ, कि जिस तरीके से मैट का जो एग्ज़ाम होता है MBA के लिए, जो नेशनल लेवल पर जो एग्ज़ाम होता था मैट का, कैट का और IBPS इत्यादि का, उसमें भी सीधे सीधे स्कोर कार्ड मिलता है, फेल या पास नहीं लिखा रहता। सेम उसी तरीके का स्कोर कार्ड विद्यार्थियों को दे दिया जाएगा। उसके बाद में अब बात आती है कि ये जो कट ऑफ है वो कब जारी होगा, ये कट ऑफ कब जारी होगा। तो हर विज्ञापन के पहले, जैसे लेखपाल भर्ती का विज्ञापन जारी होगा तो उसके लिए एक कट ऑफ बनाया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि भाई इसमें 70% ऊपर या 80% ऊपर के जो छात्र हैं, याद रखिएगा कि जो कट ऑफ जो नॉर्मल अंक होते हैं परसेंटाइल उससे ज़्यादा होता है, क्योंकि परसेंटाइल में जो मैक्सिमम नंबर होते हैं उसको 100 मान लिया जाता है, उसमें विद्यार्थियों के ज़्यादातर जो विद्यार्थी होते हैं, जो योग्य विद्यार्थी होते हैं, 100% तक उनको मिल जाता है। तो इस तरीके से बुलाया जाएगा हर विज्ञापन में। जैसे ये जो भर्ती निकल रही है लेखपाल वाली, इसका एक अलग से विज्ञापन के समय, हर भर्ती की अपनी एक अलग से सेवा नियमावली होती है, अलग से भर्ती की योग्यताएं होती हैं, अलग से चयन प्रणाली होती है हर भर्ती की। उसका जो विभाग ये तय करता है, उसके विभाग में नियमावली के बारे में लिखा रहता है कि भाई लेखपाल की भर्ती इस तरीके से होगी, जूनियर असिस्टेंट में एकेडमिक भी होगा और रिटन एग्जाम होगा, टाइप टेस्ट होगा, वो उनका विभाग है, वहाँ पर उसकी नियमावली बनी हुई है। तो इसी तरीके से जब लेखपाल भर्ती का विज्ञापन निकलेगा तो उसमें जो इसकी योग्यताएँ हैं कि भाई इंटरमीडिएट पास CCC और 18 कम से कम एज, अधिकतम 40, और फिर उसी के साथ में ही ये कहा जाएगा कि जिनका परसेंटाइल जो है 70 से ज़्यादा है वही इसके लिए आवेदन या एलिजिबल हैं, तो वो विद्यार्थी उसमें आवेदन करेंगे। इसके बाद में फिर जब अगली भर्ती आएगी, एक समान पदों की एक मुख्य परीक्षा होनी है, यानी कि जिसमें स्टेनो के भी पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के भी पद हैं, ये सब समान योग्यता वाले हैं, इनके लिए लगभग शायद 2200 सीटें लिखी हुई हैं विज्ञापन में जो जारी हुआ था अभी हाल ही में, जब UP SSC ने अपना एक रिपोर्ट जारी की थी, प्रगति रिपोर्ट कहें या परीक्षा कैलेंडर कहें, परीक्षा कैलेंडर तो नहीं कहेंगे, ये कभी आज तक समय से परीक्षा कराई नहीं है, इन्होंने केवल ये बताया था कि इस महीने ये परीक्षा होगी। तो उसमें जो जब वो जारी होगा 2000 पदों के लिए या 2200 पदों के लिए, तो उस समय उस भर्ती में उस समय घोषित किया जाएगा कि भाई 90% के ऊपर के जो विद्यार्थी हैं वो आवेदन करें, इस तरीके से बुलाया जाएगा। अब बात यह है कि जब जहां पर पदों की संख्या बहुत कम है तो वहां पर कुछ छात्र तो पूरे साल भर बैठे रहेंगे, उनको कोई मौका ही नहीं मिलेगा। सबसे जो कम कट ऑफ है जो मांगा जाएगा वो लेखपाल भर्ती में, चूंकि पदों की संख्या काफ़ी है और उसके बाद में पदों की संख्या किसी भी भर्ती में इतनी ज़्यादा तो नहीं है, इसलिए बहुत सारे जो योग्य अभ्यर्थी हैं, बहुत सारे योग्य अभ्यर्थी हैं जो लेखपाल की जो परीक्षा तो देंगे, लेकिन वो आगे जो लोअर की भर्ती है या AGTA की भर्ती है या ये जूनियर असिस्टेंट की भर्ती है, इसमें तक आवेदन नहीं कर पाएंगी,
तो ये जो योग्य विद्यार्थी हैं अभी बाहर हो जाएंगे। इसलिए अब ये मांग उठ रही है छात्रों की तरफ से, युवा मंच की तरफ से, और भी बहुत सारे प्रतियोगी छात्र संगठन हैं जो ये पत्र लिख रहे हैं प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, मुख्यमंत्री को और आयोग को, यानी कि अधीन सेवा चयन आयोग को, कि एक निश्चित कट ऑफ घोषित कर दिया जाए इस परीक्षा के बाद। जैसे ही पीटी का जो रिजल्ट जारी होगा उसके बाद में आयोग एक कट ऑफ घोषित कर दे कि जिनके भी 60 के ऊपर या 65 के ऊपर जितना भी है एक निश्चित कट ऑफ सोच लें, और 3-4 लाख विद्यार्थी जिसमें पास हो सकते हों। चूंकि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का मतलब होता है, अर्हता अगर शब्द लग गया ना तो एलिजिबिलिटी आप एलिजिबल हो गए जी, इस कट ऑफ के आगे के जो विद्यार्थी हैं वो एलिजिबल हो गए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये विद्यार्थियों की मांग है, विद्यार्थियों का ऐसा कहना है कि प्रारंभिक अर्हता का मतलब होता है एलिजिबिलिटी टेस्ट, और एलिजिबिलिटी के लिए एक कट ऑफ सभी भर्तियों के लिए एक कट ऑफ होनी चाहिए, चाहे वो स्टेनो की हो, चाहे वो लेखपाल की हो, चाहे वो लोअर की हो। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दे सकते हैं, और ये बात चूँकि विद्यार्थियों ने मुझसे कही थी इसलिए मैं आप लोगों से ये बताना चाहता हूँ और आप लोगों से पूछना भी चाहता हूँ क्या ये मांग सही है, या जिस तरीके से अभी हाल ही में UP SSC के चेयरमैन जो डॉक्टर प्रवीण कुमार हैं, जो उन्होंने कहा है कि हम किसी भर्ती में, यानी कि लेखपाल की भर्ती में उन्होंने कहा है कि 1,20,000 और आने वाली भर्तियों में, अन्य भर्तियों में ये संख्या और कम हो सकती है, 50,000, 25,000, 20,000 पदों की हम जो है मुख्य परीक्षा में हम बैठवाएंगे छात्रों को, यानी कि जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा चला जाएगा और बहुत सारे जो विद्यार्थी हैं उनको मौका ही नहीं मिलेगा। समस्या तब ज़्यादा विकराल होगी जब ये चयनित छात्र ही दोबारा परीक्षा में बैठेंगे और वो ज्वाइन नहीं करेंगे, तब समस्या और उत्पन्न हो सकती है। कुल मिलाकर के एक साल तक जो चयनित छात्र हैं, जो टॉपर हैं वही बार बार परीक्षा में बैठते रहेंगे और जो अन्य विद्यार्थी उनको बहुत कम मौके मिलेंगे। प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं वो हमने कर लिया, अब जो भी हमारी वैकेंसी निकलेगी हम उसके लिए आवेदन मांगेंगे, जो आवेदन आएंगे उसमें अपनी जरूरत के मुताबिक जितने पद हैं उसके 15 गुना, नहीं जितने पद हैं हमारे 15 गुना हम ऊपर से छांट लेंगे। अच्छा, आप जिन्होंने पीटी क्वालिफाई किया है आप उसमें से जो पीटी में अपियर हुए हैं, क्वालिफाई करने वाली बात नहीं, क्योंकि उसमें हर एक आदमी को स्कोर मिलेगा, किसी का होता है 80% है, किसी का 85 है, किसी का 90 है, किसी का 94 है, तो वो तो एक स्कोर है, लेकिन स्कोर के आधार पर वो लोग अप्लाई करेंगे अलग अलग पदों के लिए। और जब हमारे किसी भी हमने पद के लिए, जिसके पद के लिए विज्ञापन निकाला है, तो उसके लिए जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं वो उसके लिए अप्लाई करेंगे, और जितने भी अप्लाई करेंगे उनका स्कोर हमारे पास पहले से मौजूद है, तो उस स्कोर के आधार पर उन ऊपर से शॉर्टलिस्ट कर लेंगे, और शॉर्टलिस्ट करने के बाद जितने गुने हमें चाहिए, मान लीजिए एक पद के लिए 15 लोग हम बुलाते हैं, मानक हमारा 1 से 15 का है, एक्चुअली वो लास्ट कट ऑफ हम लोग लेते हैं तो 15 का 17, 18, 20 गुना हो जाता है वो कई बार, तो लगभग 15 गुना हम जो है 15 गुना या उससे अधिक हम बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनके लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन करा देंगे। सर 24 तारीख को आपने, और उसमें हम लोग इसके बेसिस पे केवल स्कोर मिलेगा, इसको अगर इसकी तुलना की जाए, उदाहरण दिया जैसे जीआरई का एग्जाम होता है, जीआरई के एग्जाम में केवल आपको स्कोर मिलता है, जीआरई के एग्जाम के आधार पे आप किसी यूनिवर्सिटी में सीधे एडमिशन नहीं पाते हैं, आप स्कोर के आधार पर एलिजिबल हो जाते हैं, आप नहीं स्कोर के आधार पे अप्लाई करते हैं, वो अपनी हर यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से मेरिट लिस्ट बनाती है, ऊपर से बच्चे हैं उनमें से उनको साक्षात्कार के लिए बुलाती है या उनके आगे अगले चरण में जाती है उसमें सेलेक्ट कर लेती है। तो यहाँ पे भी यही है कि हमारा प्रीलिम्स जो है, हमारा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा जो है, ये कॉमन है सबके लिए, और इसमें हर बच्चे को एक स्कोर दिया जाएगा उसके जो जैसी भी उसकी परफॉर्मेंस है उसके आधार पर, और फिर जब भी हम आगे जो भी पद निकालेंगे, जिस भी हमारी विज्ञापन निकलेंगे उसके लिए विज्ञापन निकालेंगे, उसके लिए केवल हम मुख्य परीक्षा कराएंगे, और मुख्य परीक्षा में केवल हम जो प्रीलिम्स के स्कोर के आधार पर ही अभ्यर्थियों को, बच्चों को शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो जितने भी पद हैं, जैसे हमें मतलब हमारे 8,000 पद हैं, जैसे बात हो रही थी लेखपाल के लगभग 7,800, लगभग 8,000 पद हैं, तो 8,000 बच्चों के लिए हम जरूरी नहीं है कि हम 25 लाख बच्चों का एग्जाम कराएं, वो भी हम अभी 20 लाख बच्चों का एग्जाम, 21 लाख बच्चों का एग्जाम करा ही रहे हैं, तो उस समय मेन हम केवल 1,20,000 लोगों का करेंगे। मतलब ये जो प्रोसेस है वो थोड़ा, ये शॉर्टलिस्टिंग, तो ये कि हर बार जब आप वैकेंसी निकालते हैं कि हम लोग स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं, तो एक तरह से स्क्रीनिंग टेस्ट है जिसके आधार पर हमारा नंबर सीमित हो जाएगा। तो अभी ये है, आप मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि ये है कि बड़ा एग्जाम जो इतना बड़ा एग्जाम होता है, जितने इतनी मेहनती व्यवस्था सब कुछ होती है, 3-4 महीने की तैयारी होती है, सब कुछ होता है, तो ये साल में एक कराएंगे और इसके आधार पर जो मेन एग्जाम है वो छोटे एग्जाम होंगे, 50,000 लोगों का, 1,00,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का, वो हमारे लिए आसान है, मैनेजमेंट है, वो छोटे एग्जाम होंगे 50,000 लोगों का।
तो यहाँ पर इन्होंने साफ साफ बताया है कि किसी में 50,000, किसी में 1 लाख, किसी में 1.5 लाख और हम 15 गुना विद्यार्थियों को बुलाएंगे। तो इससे ये भी स्पष्ट होता है कि जो लेखपाल भर्ती के लिए जो आवेदन नहीं कर पाएगा वो विद्यार्थी अन्य किसी भर्ती में भी आवेदन नहीं कर पाएगा, क्योंकि अन्य भर्तियों की जब मुख्य परीक्षा होगी, जब भी उन विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, उन सभी विद्यार्थियों का जो परसेंटाइल स्कोर होगा या जो कट ऑफ होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। आप लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में नीचे बताएं। और अब हम लोग बात करते हैं 22,000 सीटें जोड़ने से शिक्षा मंत्री ने किया इनकार। चूंकि लगभग 70 दिनों से लखनऊ में धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, एक तो है ओबीसी आरक्षण को लेकर के और दूसरा है 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग हो रही है। हालांकि 22,000 सीटों को जोड़ने की मांग को लेकर के इसके पहले भी शिक्षा मंत्री ने कम से कम 10-20 बयान दिए हैं कि ये भर्ती नहीं जुड़ सकती, नहीं जुड़ सकती, नहीं जुड़ सकती, क्योंकि 68,500 के जो रिक्त पद हैं वो इसमें इसलिए नहीं जोड़े जा सकते क्योंकि दोनों भर्तियों की अलग अलग नियमावली थी। पहली बारी जो भर्ती थी उसमें केवल बीटीसी के विद्यार्थी, डीएलएड के विद्यार्थी आवेदन कर सकते थे और उसका कट ऑफ भी दूसरा था, 40-45 कट ऑफ था। और जो 69,000 शिक्षक भर्ती थी इसमें 60-65 कट ऑफ रखा गया था और बीएड के अभ्यर्थी भी योग्य थे, इसलिए 68,500 शिक्षक भर्ती के जो शेष पद हैं वो इसमें नहीं जोड़े जा सकते हैं। इसी क्रम में जब आज बहुत सारे विद्यार्थी शिक्षा मंत्री के आवास पर गए तो शुरू में तो उन्होंने मना किया, लेकिन बाद में 2 छात्राओं को बुलाया और उनसे वार्ता की। ये देखिए लिखा, बेसिक शिक्षा निदेशालय शिविर कार्यालय के पीछे चल रहे प्रदर्शन के 70 दिन पूरे हो चुके हैं। वहीं बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने भी आज साफ कर दिया कि 69,000 शिक्षक भर्ती के तहत 22,000 पदों को जोड़कर भर्ती नहीं की जाएगी। दरअसल बेसिक शिक्षा मंत्री खंड शिक्षा अधिकारियों के कार्यक्रम में शामिल होने गए थे और इसी बीच अभ्यर्थियों को जैसे इस बात की जानकारी मिली तो वह भी मंत्री से मिलने पहुंच गए। अभ्यर्थियों ने बताया कि इस दौरान मंत्री ने पहले तो मिलने से मना कर दिया, लेकिन बाद में तो महिला अभ्यर्थी निधि और आकांक्षा को मिलने का मौका दिया। जो वार्ता हुई उस बारे में निधि ने बताया कि 22,000 पदों को जोड़कर भर्ती किए जाने के लिए मंत्री ने मना कर दिया है। उन्होंने कहा कि मंत्री ने कहा कि 68,500 और 69,000 शिक्षक भर्ती हम पूरी कर चुके हैं, ऐसे में प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों की जो मांगी हैं वो जायज़ नहीं है। आकांक्षा ने बताया कि इसके बाद मंत्री ने बात करने से मना कर दी। नीचे उन्होंने कहा कि उन्होंने ये भी कहा कि आवास घेर कर क्यों करते हो डिस्टर्ब। आकांक्षा ने बताया कि मंत्री ने कहा आप लोग प्रदर्शन करते रहते हैं, हमारे आवास का घेराव करते हैं, उससे हमारी जो बेटी है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, आवास का घेराव करना ठीक नहीं है। तो वो भी तो बच्चे हैं जो लखनऊ में 70 दिन से प्रदर्शन कर रहे हैं, कम से कम नई शिक्षक भर्ती की घोषणा ही कर देते। अगर आप 22,000 सीटों को नहीं जोड़ सकते हैं तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती, आखिरकार इन 22,000 सीटों का क्या होगा इसके बारे में भी तो बता देते ना शिक्षा मंत्री कि ये जो रिक्त पद हैं इनको हम कब भरेंगे, इसके जो वैकेंसी है वो कब आएगी, 22,000 पदों के लिए अलग से भर्ती आएगी या 22,000 पदों को जोड़ करके 57,000 पद की जो भर्ती आएगी, इस बारे में ही वक्तव्य दे देते। कम से कम ये तो कानूनी रूप से लीगल है, अगर वही लीगल है तो। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।